सारे ही जमातियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए माणिए बाणी दा रस ते आनंद। गुरु नानक देव जी दी बाणी विच्चों माघ पुनीत पई, माघ पुनीत पई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भाणा सरनावा, गंग जमन तह बेणी संगम सात समुंद समावा, पुन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप 68 तीर्थ नाता। गुरु साहब जी प्रसंग कर लेने हैं भाई, यह काव्य सत्रां साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला विच दर्ज श्री गुरु नानक देव जी दी रचना 12वां तुखारी दे विच्चों लईयां गईयां ने। इस दा सिरलेख माघ पुनीत पई है। गुरु जी दसदे हन कि माघी वाले दिन लोग तीर्था उपर इशनान करना पवित्र मनते हैं, पर परमात्मा की सिफत सलाह हिरदे विच वसाउणी ही 68 तीर्थां दे इशनान दे तुल है। यह सीगा प्रसंग। देखो गुरु नानक देव जी ने 12वां लिखे तुखारी राग दे अंदर, और उस 12वां दे विचों माघ दे महीने दे विच जो गुरु ने बाणी उचारी है उस दा वर्णन अगे दिता गया है। भई लोग की है कि फोकट कर्म करते हैं, तीर्थ इशनान ते जाते हैं उत्थे, और सोचते असी पवित्र हो गए। असली पवित्रता उस परमात्मा दे जदों नाम नू त्या लिया, मन च बसा लिया, तो समझो तीर्थ इशनान हो गया, रूह पवित्र होगी। व्याख्या माघ पुनीत पई तीर्थ अंतर जाने। माघ माघ महीने विच पुनीत पवित्र, माघ महीने दे अंदर तीर्थ यात्रा करना पवित्र मनिया जाता है। लोग वख वख थावां ते तीर्थ इशनान करन जांदे है। हुण तां हालात आ है कि लोग माघी नहाउण वास्ते मुकतसर साहब भी जांदे ने, ते गुरु साहब ने गुरु नानक देव जी ने आ गल कही सी कि माघ महीने विच लोग तीर्थां उत्ते इशनान करन जांदे है, परंतु असली जिहड़ा इशनान है तीर्थ अंतर जाने आ, जिसने अपने हिरदे दे अंदर परमात्मा नू पछाण लिया ओ असली तीर्थ है। जिस जीव ने अपने हिरदे अंदर परमात्मा नू पछाण लिया और बार बार उसी दे विच गोते लाई जांदा है, तां फिर साजन सहज मिले गुण गह अंक समानिया। साजन ओ परमात्मा रूपी सज्जन मिलिया, सहजता आ गई, अडोलता आ गई, उनके जेड़े गुण सी उन्हां नू पछाण लिया। अंक समानिया आपां उनकी भगती नू उनके नाम नू अपने अंक दे विच अपने हिरदे दे विच समा लिया। यह जो तीर्थ है असली तीर्थ है, एवें नहीं कि तीर्थां उत्ते जा के नहाना है जो वो तीर्थ मनिया गया है। तो इस विच आही गल कही है माघ महीने विच लोग तीर्थां ते इशनान करन विच पवित्रता मनते हैं, पर जिस जीव ने अपने हिरदे विच ही तीर्थ पछाण लिया उसकी चिंद पवित्र हो जाती है। जो जीव परमात्मा दे गुण अपने हिरदे विच वसा के उस दे चरणा विच लीन हो जाता है, सहज मिले
उन्हों अडोल अवस्था विच टिक जांदा है, जिथे उसनों सहज मिले अडोल अवस्था दे विचों सज्जन प्रभु है जो मिल जांदा है। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, उस प्रीतम दे गुण, उस रब सज्जन दे गुण है अंक हिरदे च वसा ले, सुन प्रभ बंके, ओ सोने प्रभु नूं सुन लिया, तुद पाणा सरनावां तेरे पाणे विच रहना ए सरोवरां दे नाण दे बराबर है। गंग जमन तह बेणी संगम सात समुंद समावा, गंग जमन गंगा जमना सरस्वती दी ओ जिहड़ी त्रिवेणी हैगी है भई, उस त्रिवेणी दे उत्ते इशनान करन दे बराबर सात समुंदर है जो उही समागे, क्योंकि उसने परमात्मा नूं अपने हिरदे विच वसा लिया। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद भाणा सरनावा, गंग जमन तह बेणी संगम सात समुंद समावा। प्रभु जे तेरे गुण मैं अपने हिरदे विच वसा के तेरी सिफत सलाह सुन के तेनू प्यार करन लगन लग पवां, तां मैं तीर्थ उत्ते इशनान करिया समझांगा, क्योंकि मैं चरणा विच लीनता वाली अवस्था ही, परमात्मा दे चरणा विच लीनता वाली अवस्था ही, गंगा जमुना सरस्वती तिन्ना नदियां दा मिलाप थां त्रिवेणी है, उत्थे ही मैं सत्ते समुंदर समाए मंदा हां। पुन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता, जुग जुग एको जाता, जिस मनुख ने हरेक युग विच व्यापक उस परमात्मा नू पछाण लिया, उन दे नाल सांझ पा ली, पुन दान पूजा परमेसर, उन दे सारे पुन दान पूजा कर्म सब कुछ कर ले, पुन दान पूजा सब कुछ कर ले उस परमेसर नू, जुगा जुगा दे विच जिसने एक व्यापक परमेसर नू समझ लिया, जान लिया, सांझ पा ली, उन्हें सब कुछ कर लिया। जिस मनुख ने हरेक युग विच व्यापक परमेसर नाल सांझ पा ली, उसने तीर्थ स्नान आदि सारे पुन दान पूजा परमेसर सारे कर्म कर ले पाई। नानक माग महारस, गुरु नानक देव जी आखदे ने जिसने माघ महीने विच तीर्थ स्नान आदि की थां महारस उस प्रभु का नाम सिमरन कर लिया, हर जप हर जप हर जप परमात्मा का नाम जप लिया, 68 तीर्थ नहाता, वह 18 तीर्थां दे नहाण दे समान है। पुन दान पूजा परमेसर जुग जुग एको जाता, नाग नानक माग महारस हर जप, 68 तीर्थ नहाता, नानक माग महारस हर जप, 68 तीर्थ नहाता, जिसने परमात्मा दे नाम दे सिमरन दा महारस पी लिया, उन्हें 18 तीर्थां दा इस्नान कर लिया भाई। आ जिहड़ियां गल्लां ने ये अपने माघ पुनीत पेई दा विशा वस्तु है, इस दे अंदर दसिया है, संसार दे विच देख लैंदे आ विशा वस्तु नूं दुबारा। माघ महीने विच लोग तीर्थ इस्नान करन जांदे है, पर जिन्हां ने उस परमात्मा नूं अपने हिरदे विच वसा लिया, उन्हां च अडोलता आ गई, सज्जन नूं मिल गए, उस प्रीतम नूं जिन्हां ने उहदे गुणां नूं अपने शरीर च समा लिया, प्रभु दा सिमरन सुन रहे हैं, वह सारे सरोवर नाले पई, गंगा जमन उन्हां दी त्रिवेणी सात समुंदर सब कुछ उन्हें नाता मनिया जाएगा, और जिन्हां ने एको एक उस प्रभु नूं पछाण लिया, और पुन दान पूजा परमेसर सब कुछ हो गया, और जिन्हें उस परमात्मा का नाम का महारस पी लिया, उन्हें 68 तीर्थ ना गया पई, वो 68 तीर्थ ना गया पई। हुण कई विचारण योग प्रश्न ने, माघ पुनीत पई शब्द किस बाणी विचों लिया गया? देखो माघ महीने तो ही पता लग रहा है, महीना किस चुंदा 12 माह च, 12 माह है, तो 12 माह दो ही जणियां ने लिखे, अर्जन देव जी ने और गुरु नानक देव जी ने, तो 12 माह इराग तुखारी गुरु नानक देव जी दे। माघ महीने च कहड़ा रस पीना चाहिए? नाम रस, महारस, नाम सिमरन दा रस है जो पीले पीओ। माघ पुनीत पई बाणी दा केंद्री भाव,
माघी वाले दिन लोग तीर्थां ते इशनान करना पवित्र मनते ने, पर जिस जीव स्त्री ने परमात्मा की सिफत सलाह नूं अपने हिरदे विच वसा लिया उसने 68 तीर्थां दे इशनान दा फल पा लिया भाई, पा लिया उसने। हुण आपां अगे जो विचारन जो गल्लां ने उस बारे करदे आं भाई। ठीक है, सब तो पहला तो ये जिहड़े अभ्यास परसन ने उन्हां उत्ते थोड़ी जी निगाह मार लीए। वैसे तो देखा जाए जो सारा पाठ ही आपां कर लिया तो पिछे रह की गया। सब तो पहला प्रसंग सहित व्याख्या, तो मैं हर एक दी प्रसंग सहित व्याख्या तुहानूं करवाई हुई है, करवाई है ना। तो फिर हेठ लिखे काव्य तुख्यां दी व्याख्या करो, ये व्याख्या भी तुहानूं करवाती। फिर उस तो बाद केंद्रीय भाव है वह भी करवाती। ठीक है, हुण ये है जिहड़ा जिहड़ियां अगलियां गल्लां ने, जिवें आ रहा सच्चा मुसलमान सदाउण लई नबाजी नूं किहड़े किहड़े गुण धारण करने चाहीदे है। ओही पंज, सच बोलना, हक की कमाई, सब का भला करो, नीयत ते मन नूं साफ ते परमात्मा की सिफत सलाह, ये गुण है धारण करने है भाई। उस समय भी दसिया सी होर किहा कंचन टूटै सार दे विच किहड़ियां किहड़ियां गंढां दा जिक्र है भाई, संबंध किंदे किंदे नाल बणदे है। अग नाल लोहार जां सुनार सोनिया लोहे नूं गंढ लाउंदा है, पति पत्नी दे विच अगर संबंध बिगड़ जाण तां पुत्तर राहीं गंढ पैंदी है, राजे की प्रजा नाल मामला दे के गंढ पैंदी है, भुखे की रोटी खा के गंढ पैंदी है। इस तरीके नाल परमात्मा दे दरबार दे विच जो है सच बोलो, जिहड़ा सच बोलदा है परमात्मा का सिमरन करदा है उसकी परमात्मा नाल गंढ पै जांदी है। ये गल्लां तुहानूं दसियां होईयां ने। हक पराया नानका, ये विचार सब हो गए, अपने शब्दां सार लिखो। तो ये सार लगभग जिहड़े प्रश्न है सार वाले केंद्रीय भाव वाले, जदों आपां नूं सार आ गया, व्याख्या आ गई, केंद्रीय भाव आ गया, सब कुछ ही आ गया, कुछ भी आ जाए लिखना तां उही है ना, फिर की डरना। तो इस कारण केंद्रीय भाव सार वाले जिहड़े क्वेश्चन है करांगे तां वीडियो लेंथी होती जाएगी, तुसीं उस वीडियो जाके वेख सकते हो भाई। धन्यवाद भाई तुहाडा सारयां दा ही।